स्पोर्ट्स की करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स अधूरा है अगर उसके फैंस नहीं है और फैंस अगर चेयर अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही क्रेज जो है वो लोगों में देखा जाता है। हमारे साथ रैनिक दत्ता कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें आज क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? एकदम ही आज जो सेमीफाइनल है उनको लेकर क्या क्या उनके मन में है वो भी पूछेंगे। दादा, आज क्या लगता है क्या होगा मैच में? तो देखिए, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया हर बार जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है वही हमको लगता है कि आज भी वैसे ही परफॉर्मेंस करेगा। हर कोई एक अपना जो बेस्ट देना चाहता है बेस्ट देगा। कौन सा प्लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद होगा? मेरा तो रोहित शर्मा के ऊपर ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा मेरा फेवरेट है इसीलिए। बॉलिंग या बैटिंग कौन से में सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों का? देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बॉलिंग या बैटिंग ये मतलब दोनों में कुछ अंतर है, क्योंकि इंडिया को अगर जीतना है तो दोनों में ही एकदम परफेक्ट रहना पड़ेगा, बॉलिंग में भी और बैटिंग लाइनअप में भी। ठीक है, क्योंकि मैं इतने दिनों से इंडिया टीम को देखते आया हूँ मैं बचपन से, तो मुझे लगता है आज अगर इंडिया टीम बॉलिंग और बैटिंग में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देगा ना, तो ज़रूर हम ये मैच जीतेंगे और ज़रूर हम फाइनल में जाएंगे। आपको क्या लगता है कितना उम्मीद है आज टीम के ऊपर? देखिए, हमारे पास तो एकदम 100% उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा, एकदम जीतेगा, क्योंकि पिछले मैच भी हम अच्छे खेले थे इंडिया, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, चेयर अप करेंगे कि इंडिया अच्छे खेले आज। तुमको क्या लगता है क्या होगा आज? जीतेगा। तुमको क्या लगता है? इंडिया जीतेगा। कौन से प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है? रोहित शर्मा। और विराट कोहली? विराट कोहली तो बॉल अच्छा खेलते हैं वहाँ पर, अब तो इंग्लैंड है वहाँ पर अच्छा खेलते हैं विराट कोहली, और बुमराह तो है वहाँ पर। चलिए रैनिक, आपके पास आएंगे, पंकज भी हमारे साथ, पंकज मंडल लखनऊ से बने हुए हैं। पंकज, पिछले साल का फाइनल का जो ऑस्ट्रेलिया से बदला है वो तो इंडिया ने ले लिया, लेकिन अब 2022 के बदले पर नजर है। आज सेमीफाइनल का मैच है, एक तरफ इंग्लैंड एक तरफ इंडिया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैच का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, समय जितना जितना नज़दीक आ रहा है सभी लोगों के उत्साह बढ़ते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जो वेस्ट इंडीज़ के, आपको बता दें कि युवाना प्रोविंशियल स्टेडियम में मैच होना, ये स्टेडियम भी बहुत खास माना जाता है। यहाँ रन भी होते हैं, विकेट भी होते हैं, और महत्वपूर्ण बात है कि आज के इस क्रिकेट में किस तरह से रोहित चलेंगे, किस तरह से कोहली चलेंगे, उसके फैंस भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं सब बच्चे हैं और जो क्रिकेट सीख रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अग्रिम चौहान। क्या पता है आपको एक मैच किसका है? इंग्लैंड और इंडिया। कौन जीतेगा? इंडिया। आपका फेवरेट कौन है? रोहित शर्मा। विराट कोहली के लिए क्या कहने है? विराट कोहली अभी तो चल नहीं रहा है, पर उसे धीमे से शुरुआत करनी चाहिए, फिर वो बाद में मार देता है। वो शुरुआत में अभी मारने के चक्कर में आउट हो जा रहा है। देखिए, यहाँ पर और भी क्या लगता है आज का मैच कैसा रहेगा? मैच तो बढ़िया रहेगा, हमारी तो पूरी उम्मीद है कि इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से वो खेलती हुई आई है पिछली भी वर्ल्ड कप और इस बार T20 वर्ल्ड कप, उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी। हाँ, T20 वर्ल्ड कप। देखिए, यहाँ पर क्या नाम है बेटा? रूबल यादव। देखिए, ये सब वो बच्चे हैं जो क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीख रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन फेवरेट है आपका? सूर्य कुमार यादव। देखिए, सूर्य कुमार यादव की कहीं ना कहीं यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी है वो बारी बारी से अपने अपने जो समर्थक है या जो जिनके फैन है वो सब अपने अपने खिलाड़ियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आज का मैच बहुत ही खास माना जा रहा है। और इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया एक भी मैच नहीं आ रही है, बल्कि जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो दो मैच हार चुके हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर तो संकट है ही है कि इंडिया से मैच है, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मैच का रूप बदलता है। बताया जाता है कि वहाँ पर जहाँ पर मैच होना है वहाँ पर कुछ बारिश के भी आसार देखने को मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जब इसमें टॉस होगी, मैच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है टॉस। जी, चलिए, आपके पास दोबारा से हम आए और लोगों से बात करेगा, कितना उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है हम एक बार रोहित के पास चलते हैं, और जरा मुझे लगता है कि बात जो है वो इस पर भी होनी चाहिए कि दोनों टीमें जो हैं वो कितना प्रेशर फील कर रही हैं, क्योंकि सेमीफाइनल को लेकर हम बात कर रहे हैं। फाइनल को लेकर तो एक अलग ही प्रेशर होता है, लेकिन सेमीफाइनल में भी प्रेशर कम नहीं होता। तो दोनों ही टीम को मुझे लगता है कि कंपेयर करने की जरूरत है कि इंग्लैंड कितना प्रेशर फील कर रहा है और इंडिया कितना प्रेशर फील कर रहा है, और फिर जब बारिश वाली पिच सामने होगी तो फिर तमाम अलग अलग तरह की चुनौतियां होंगी प्लेयर्स के सामने।
बिल्कुल अनन्या, आप ठीक कह रही हैं। मैं जो आपकी बात समझा हूँ, आप यही जानना चाह रही हैं कि चैलेंजेस क्या हैं भारत के सामने और इंग्लिश टीम की किन बातों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे बताएंगे। दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हरीश जी हैं हमारे साथ और शशिकला जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ। तो हरीश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप टीम इंडिया के सामने देख रहे हैं। हालांकि अभी तक तो हर चैलेंज को टीम इंडिया ने बहुत ब्रेवली फेस किया है, लेकिन ये सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, नो सेकंड चांस। सर, इंडिया के सामने एक ही चैलेंज है कि आज तीन T20 टूर्नामेंट्स हुए हैं, उन टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता भी है, और बाकी अगर सिचुएशन कंडीशंस का अगर जायजा लिया जाए तो इंडिया के फेवर में काफी कंडीशन है, टर्निंग विकेट्स हैं, स्लो विकेट्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम को परेशानियां खड़ी कर इंडिया की टीम परेशानियां खड़ी करेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि यहाँ पे इंडियन स्पिनर्स कैसा करते हैं, फास्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं फेवरेबल इंडिया की तरफ ज्यादा है। इंडिया की जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, हर जगह पूजा हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो वो दुआ भी कहीं ना कहीं आज काम आएगी सेमीफाइनल में, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बट हमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मैच है, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है शशि सर, दोनों टीमों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में जानूंगा, पहले मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए इंडिया के और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मुझे बताइए इंग्लैंड के। सबसे पहला है कि पहले जो छह बैटर्स हैं वो छह के छह बैटर्स लंबे लंबे हिट मार सकते हैं और उन्हें परवाह नहीं है, वो तेज गति से खेलने में माहिर हैं। और इंग्लैंड का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका जो राशिद खान जो बॉलर है, जॉफ्रा आर्चर अच्छा बॉलर है, और उनका जो एक बॉलर ऑलराउंडर जो पिछले मैच में जिसने हैट्रिक किया है आपका नहीं। एक सैम करन उनका बहुत अच्छा ऑलराउंडर है जो जो कभी भी मैच पलट सकता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी अच्छा है, बॉलर भी अच्छा है। और क्रिस जॉर्डन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, फील्डर बहुत अच्छा है, पांच बॉल पे चार विकेट। इनसे डरना है थोड़ा सा इंडिया टीम को, और कप्तान है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, जोस बटलर और बेरस्टो दोनों खतरनाक बल्लेबाज है। तो भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है वो कुलदीप और बुमराह के इर्द गिर्द घूमती है, दोनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और साथ उनके अर्शदीप बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर भारतीय टीम के और इंग्लैंड टीम। ठीक है, मुझे मनोज जी आप बताइए कि सावधान किससे रहने की जरूरत है इंग्लैंड के, अगर मैं बात करूं तो हमको इंग्लैंड में किससे सावधान रहने की जरूरत है? दो प्लेयर्स से, दो गेंदबाजों से, एक जोफ्रा आर्चर और दूसरे आदिल रशीद, जैसा कि आदिल रशीद का जिक्र भी हुआ। गुगली उनकी इस वक्त इतनी खतरनाक है कि वो सेम एक्शन के साथ उनका पता ही नहीं चलता कि गुगली आ रही है या किस तरह से बॉल आ रही है, किस तरह से कहाँ पर लेंथ पर कहाँ पिच होगी वो गेंद, क्योंकि वो ऐसी गेंद है जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार जो अमेरिका के, आरन जॉन्स, इन सबके विकेट लिए, और तो और उन्होंने एक विकेट आंद्रे रसेल को भी इसी गुगली पर फंसाया, और बहुत उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, और कल ही जो रैंकिंग जो है ICC रैंकिंग में वो टॉप पर पहुंच गए हैं गेंदबाजों की सूची में। इतना ही नहीं, जोफ्रा आर्चर जो कि जब रन लुटाते हैं तो विकेट भी लेते हैं, एक मैच में जब उन्होंने चार विकेट चटकाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उन्होंने 40 रन खर्च किए, लेकिन बाकी मैचों में उन पर रन बनते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दूसरे जसप्रीत बुमराह के भाई हैं, दोनों एक साथ मुंबई इंडियंस की टीम में चुने भी गए थे एक साथ, दोनों ने नेट पर प्रैक्टिस भी की है एक साथ। तो मैं समझता हूँ ये दो गेंदबाजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और बाकी बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट और जोस बटलर की जोड़ी ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। मैं तो बड़ा इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री के साथ, बुमराह वर्सेस साल्ट इनका जो है ना मुकाबला दिलचस्प होने वाला है इस बार, यानी कि इनिशियल विकेट हमने अगर निकाल लिए तो फिर हाफ बैटल वाली सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 60-70 रन टांग दिए तो मैच और ज्यादा रोमांचक बन जाएगा और चुनौतीपूर्ण बन जाएगा भारत के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि पहले बैटिंग करना फायदेमंद है इस पिच पर? देखिए भारत ने की जो स्ट्रेंथ है ना, भारत दोनों तरह से तैयार है, जैसे मैंने शुरू में बात कही कि सभी लीग मैच भारत ने
रनों का पीछा करके जीते, सुपर आठ के सभी मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते। तो अब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना मेरे ख्याल से ज्यादा उचित होगा कि यहाँ आप बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए और उसके बाद बिना किसी दबाव के, फिर आपके पास गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है, पांच में से चार बॉलर आपके आला दर्जे के हैं, ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षर पटेल, जो कि जिनका नाम हम आमतौर पर नहीं लेते, और उन्होंने पिछला मैच जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था 13वां ओवर उनका बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था, जहां उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए थे और उसी के दबाव का फायदा कुलदीप यादव को अगले ओवर में मैक्सवेल के विकेट के रूप में मिला था। तो हमारे चार बॉलर, जडेजा अगर चलते हैं तो बात अलग, ये भी है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और अगर बैटिंग बेंच स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो फिर उसमें उन तक काउंट जाता है कि हाँ अक्षर पटेल हैं तो बैटिंग कर लेंगे। बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट भी किया गया एक मौके पर और उन्होंने निराश नहीं किया, और मानना पड़ेगा कि हमारे ऋषभ पंत हो, अक्षर पटेल हो, ये बेशक बहुत बड़ी पारी ना खेलें लेकिन जितनी ये पारी खेलते हैं वो इम्पैक्टफुल पारी होती है। टाइम जो होता है ना कि कम बॉल पर ज्यादा रन, कम बॉल पर ज्यादा रन, उससे दबाव कम हो जाता है उससे। ठीक है, अनन्या के पास चलते हैं। अनन्या हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं अनन्या के पास चल रहा हूं। अनन्या के साथ कुछ और जगह से लोग हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनके पास हम चलेंगे। अनन्या, बिल्कुल हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे लेकिन इसके साथ ही हम, क्योंकि लगातार ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि दोनों ही टीमों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, और साथ ही जो हम गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच की बात कर रहे हैं तो पहले क्या बल्लेबाजी करना ज़्यादा अच्छा होगा या फिर पहले बॉलिंग करना, ये टॉस बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इस पिच पर निभाता हुआ भी नज़र आएगा, और अपने आप में ये कह सकते हैं कि तमाम फैक्ट्स इस पिच को लेकर, अगर आप पहले, अगर ये कह सकते हैं कि अगर आप जीते हैं टॉस तो ये कह सकते हैं, तो बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि वो टीम जो है वो जीत के फेवर में नजर आती है, जो भी टीम जो है वो टॉस जीतती है, लेकिन देखना होगा, वक्त है अभी टॉस होने में भी। हमारे साथ संवाददाता भी तमाम जुड़ गए हैं, हमारे साथ लगातार पंकज बने हुए हैं लखनऊ से, साथ ही रजाउल्ला है हमारे साथ और रैनिक दत्ता कोलकाता से हैं। रैनिक, मैं पीछे देख रही हूँ आपके, कई सारे, काफ़ी भीड़ है और लोगों में उत्साह तो है ही सेमीफाइनल को लेकर, इंतज़ार ये भी कि फाइनल में भी हम टीम इंडिया को देखें, बात करिए ज़रा लोगों से। एकदम देखिए, लोगों के मन में जो उत्साह वो दिखाई दे रहा है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच चुका है इंडिया और उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में भी पहुंचेगा। दादा, आज क्या लगता है जो टॉस होने वाला है, ये टॉस क्या सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस मैच में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टॉस कभी भी मैच डिसाइड नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं कि अगर टॉस हारा तो मतलब मैच भी हार गया, टॉस जीता मतलब मैच भी जीत गया, ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि टॉस जो है वो मतलब डिसाइड करता है कि आप बॉलिंग लेंगे या बैटिंग लेंगे। आप जैसा परफॉर्मेंस देंगे, जैसा आप खेलेंगे वो कभी डिसाइड नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है आज टीम इंडिया के परफॉर्मेंस में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होने वाला है, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, टीम इंडिया जो परफॉर्मेंस है, मैं बोलूँगा कि बॉलिंग या बैटिंग, इसमें से अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो वो अच्छे रन बनाए, अच्छा टारगेट दे, ये उनका पहला उद्देश्य होगा, और अगर अच्छा अगर बॉलिंग लेंगे तो बॉलिंग में अगर वो लोग जो हमारे जो बेस्ट बॉलर थे जैसे बुमराह या फिर अर्शदीप, जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको क्या लगता है ये जो पिच है, इस पिच में रन या बॉलिंग कौन किसके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों का? देखिए, पिच या बॉलिंग जो आप बोले हैं, हमको लगता है कि आज इंडिया बैटिंग करेगा वो पिच के मतलब क्या बोलते हैं, पिच कोई काम नहीं करेगा, वो अच्छा खेलेगा इंडिया, बस इतना ही। आपको क्या उम्मीद है, कौन से प्लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगा आज? विराट कोहली। मगर विराट कोहली का परफॉर्मेंस तो डाउन है, क्या लगता है? इस बार करेगा, थोड़ा दिखाएगा, अगली मतलब जो जो मैच खेले उसमें थोड़ा दिक्कत होगा उनको, दिखा देंगे। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब कोहली का ही पकड़ लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं खेल पा रहा है, ऐसे खेल रहा है, इस बार खेल के दिखाएगा, मतलब उसका बेस दिखाएगा वो। तुमको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आज सबसे महत्वपूर्ण है? विराट कोहली और महेंद्र सिंह। विराट कोहली के ऊपर उम्मीद है। दादा, आपको क्या लगता है अर्शदीप का जो बॉलिंग, वो बॉलिंग क्या क्लिक करेगा आज? देखिए, अर्शदीप एक बहुत ही अच्छा बॉलर है, हम सब उनको मतलब जब आईपीएल का सीज़न हुआ था इस साल भी, तो वो आईपीएल के सीज़न में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था अर्शदीप, मैंने खुद देखा है। तो अर्शदीप अगर मतलब उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो अगर आज को मतलब इस गेम में अगर दिखाएगा तो इंडिया टीम को इसमें बहुत 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 इम्प्रूव होगा गेम में। ऋषभ पंत
जो ऋषभ पंत को दिखा गया था पिछले मैच में भी बहुत अच्छा कैच किया था। रैनिक आपके पास आएंगे, पंकज हमारे साथ बने हुए हैं और ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ऑडियंस से भी हम बात करेंगे। और ऑडियंस, मुझे लगता है कि जो भी सवाल आपका है आप अपने एक्सपर्ट से कर सकते हैं, लेकिन पंकज सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जरा, क्योंकि देखिए हम बैट्समैन को लेकर तो बात कर ही रहे हैं कि किसका कौन सा फेवरेट है, कोई विराट कोहली की बात कर रहा है, कोई रोहित शर्मा को लेकर बात कर रहा है, कोई सूर्य कुमार यादव को लेकर बात कर, लेकिन बॉलर्स को लेकर भी जरा बात करिए कि बॉलर्स किसका कौन सा फेवरेट है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैच में इंटरेस्टिंग बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एकेडमी में सब बच्चे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और जैसे उनको बुलाया जा रहा है उतना, क्या लगता है आज बॉलिंग किसकी अच्छी रहेगी, कौन बॉलर है जो आपका फेवरेट है? मेरा तो बुमराह, अगर पेस की बात की तो बुमराह बहुत अच्छा फेंकता है, इंडिया में अगर स्पिन की बात की तो चाइनामैन कुलदीप यादव बहुत अच्छा बॉल करता है, वो भी खासतौर इंग्लैंड के खिलाफ पिछली बार वर्ल्ड कप जो वो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उन्हीं के बदौलत से इंग्लैंड से मैच हम लोगों ने जीता था यहाँ लखनऊ में। अगर बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, तब तो स्पिनर के लिए बहुत ही फायदा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप यादव बॉल फेंकते हैं बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाते कि बॉल अंदर आएगी या बॉल बाहर जाएगी, इसीलिए मैं तो सोचता हूँ कि अगर बारिश हो गई तो कुलदीप यादव बहुत अच्छा बॉल फेंक। आज के मैच का बॉलर, टॉप बॉलर कौन देखा जाएगा पिच पे? टॉप बॉलर मुझे लगता है बुमराह, बहुत कहीं ना कहीं बुमराह बैटिंग और बॉलिंग में कहीं भी इंडिया पीछे नहीं है, सभी मैचेस जीत चुकी है। बेटा कौन बॉलर है जो आपका फेवरेट है? जेम्स एंडरसन। कौन मैच में जो लोग खेल रहे हैं उसमें कौन बॉलर आपका सबसे फेवरेट? जेम्स एंडरसन। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेडियम में लगातार यहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गर्ल्स भी हैं यहाँ पर, बॉयज भी हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में मशगूल हैं। कहीं ना कहीं आज का मैच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं स्कोर लंबा देगी। बहुत सारे लोग वहाँ पर मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बात करिए, क्योंकि एक तरफ तो उम्मीदें और नजरें जो है सबकी वो गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में टिकी हुई हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट जो है बिना फैंस के अधूरा है, और क्रिकेट को लेकर जो इंडिया में दीवानगी देखी जाती है वो शायद किसी भी कंट्री में उस तरह का नजारा दिखने को नहीं मिलता, यहाँ पर भी लोगों से जरा बात करिए।